दोस्तों, अगर आपके पास एचपी लेजर जेट का प्रिंटर है और इसका जो लैंग्वेज है इधर उधर हो गया या कोई छेड़खानी कर दिया है, तो उस कंडीशन में इसके जो लैंग्वेज है उसको आप इंग्लिश में कैसे करोगे? तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो में बने रहना यार, इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि अगर इस तरह से कुछ छेड़खानी हो जाता लैंग्वेज तो उसको आप आसानी से ठीक कैसे करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ओके का बटन लिखा हुआ है, ओके वाली जो बटन है उसको हम एक बार प्रेस करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद हमें दो बार इसको प्रेस करना, एक ये दो, ठीक है। उसके बाद हमें फिर बीच को ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव ये सब लिखा हुआ है, ये सब न जाने क्या भाषा में लिखा हुआ पता नहीं। तो इसको हम फिर एक बार क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद हम लैंग्वेज को इस तरह से चेंज कर लेंगे। देखिए इसका जो लैंग्वेज है वो चेंज हो रहा है और ये देखिए ये इंग्लिश हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, ओके कर देना है। इस तरह से ये ओके हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये रेडी लिखा गया है। इस तरह आप अपने प्रिंटर को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत।